Thank you, sir. Thank you, Dean. Thank you so much, my all uplines, Sitaram Patil sir, Churis sir, मेरे ब्रदर लाइन्स के मेरे अपलाइन एकनाथ सर, तामणी सर, सभी लीडर्स जो यहाँ पे है, साधना ताई, अश्विनी ताई है, तो ये स्टेज देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स. ओके, और आज अपलाइन देख के टाइम पे मुझे ये स्टेज मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और यहाँ पे जितने भी हमारे टीम से भी लोग हैं उन सभी का यहाँ पे स्वागत, और सभी लोग जहाँ दूर दूर से आए हैं सभी का यहाँ पे स्वागत. आज मैं खाली कर. ओके, तो टीम यहाँ पे आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो बहुत सारी मेरी बहनें यहाँ पे आई है, तो वो मैं बहनों के साथ बात करने वाली हूँ. तो सारी जो करेजस लेडी है, धाड़सी लेडी है, जो यहाँ पे दूर दूर से पहुंच गई है, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ. तो क्या एक बार सभी तालियां बजा सकते हैं उनके लिए, क्योंकि तो टीम ये जो हमारी बहनें यहाँ पे आई है, मेरी दोस्त यहाँ पे आई है, आपको लगता होगा उनको यहाँ पे आना आसान है, लेकिन ये आना आसान नहीं है. हर एक लेडी को पूछो कि क्या क्या करके वो यहाँ पे पहुंची है, क्योंकि पूरा दिन घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, पूरा दिन खुद को सीखने के लिए यहाँ पे आना ये आसान नहीं था. लेकिन ये सारी मेरी जो ब्यूटीफुल बिजनेस वुमन लेडीज है, इन्होंने करके दिखाया है. तो आप सारे एक बार हमारे जो भी जेंट्स भाई यहाँ पे हैं, एक जोरदार ताली उनके लिए दीजिए. यस, तो ऐसा ही स्वागत उनका होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक हाउसवाइफ के रोल से, एक जॉब करते हुए वर्किंग लेडी के रोल से एक बिजनेस डेवलप करना, वो भी जो भी कुछ कर रहे हैं वो संभालते हुए करना आसान नहीं है. तो इन सभी को मेरा दिल से सलाम है, और यहाँ पे मैं उनसे भी कुछ बातें करूंगी. और जो भी लोग यहाँ पे अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को यहाँ पे लेकर नहीं आए हैं, उनसे भी कुछ बात करूंगी, ताकि अगली LDP में आप सारे उनके साथ भी आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी माता जी को भी यहाँ पे लाया है, तो बहुत उनको सबको मेरा प्रणाम. अभी मेरे हाथ में नोट्स है, ताकि मेरा कुछ छूट ना जाए और मैं आपसे पूरी बात कर सकूं इसके लिए. तो लेडीज, यहाँ पे वेस्टेज करना क्यों आसान है, इसके बारे में मैं आप सभी से बात करूंगी. जितने भी नए लेडीज हैं उन्होंने भी अच्छी तरीके से सुनना है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये बिजनेस कितना आसान है और लेडीज के लिए क्यों आसान है. तो सबसे तो पहले यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, है ना. यहाँ पे आपको 50,000, 1,00,000 लगाने नहीं है, और बेसिकली कि ये 1,50,000 आपको किसी से मांगने भी नहीं है, है ना, कि मुझे 50,000 दे दो, मुझे कुछ काम करना है, मुझे 1,00,000 दे दो, मुझे पार्लर चलाना है, ये करना है, वो करना है, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क ही नहीं है. ये काम करने के लिए कोई रिस्क नहीं है, तो आप नए लेडीज जो है वो बिंदास ये काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, कोई पैसे आपको यहाँ पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है, तो आप ये काम आराम से कर सकती हो. इजी टू स्टार्ट है. स्टार्ट कैसे करना है आपको, जो मार्केट से चीजें आप लेके आते थे वो यहाँ पे क्या करनी है, सिर्फ वेस्टीज के ब्रांड की लानी है. तो कुछ बड़ा करना है क्या, कुछ बड़ा नहीं करना है, आराम से आप ये कर सकते हो. तीसरा, ये काम पार्ट टाइम है ना, ये काम पार्ट टाइम में कर सकते हो आप. जो भी आप आपका घर चला रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, आपके इन-लॉज को संभाल रहे हो, उनके सभी के साथ आप ये काम कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, 8-10 घंटे देने नहीं है, जो भी टाइम आपके पास है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सी टाइम अपॉर्चुनिटी है.
तो यहाँ पे क्या करता है आपको कि चलो मान के चलो कि वो बहन के बच्चे जो है वो सुबह से 11 से 2 बजे बाहर जाते हैं, है ना, तो वो क्या कर सकती है 11 के दोस्त के बीच से काम कर सकती है। जिसकी यहाँ पे अगर मान के चलो दीपाली है तो इसका बच्चा अगर जाता है सुबह 10 बजे जाता है 6 बजे आता है तो वो टाइम पे काम कर सकती है। तो ये जो काम है ये काम आप फ्लेक्सी टाइम अपॉर्चुनिटी है तो आप फ्लेक्सिबल आवर्स पे कर सकते हो। तो जितने भी जेंट्स भाई आए हैं अगर आपको आपके घर के लोगों को इन्वॉल्व करना है तो उसके लिए भी मैं बता रही हूँ कि ये फ्लेक्सिबल टाइम अपॉर्चुनिटी है, आप आपके घर वालों को बिल्कुल इन्वॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज है कि ये एक होम बेस्ड काम है ना, या तो अपने घर में प्लान दिखाना है या तो सामने वालों के घर पे प्लान दिखाना है। अगर आपको नहीं चाहिए लेडीज को किसी जेंट्स को प्लान दिखाना तो मत दिखाइए, आप क्या कर सकते हो लेडीज का नेटवर्क बना सकते हो। तो ये एक होम बेस्ड काम है तो बिल्कुल आप ये कर सकते हो और ये आसान है क्योंकि हमारे कई सारे दोस्त रहती है तो उनके घर हम जा सकते हैं या उनको हमारे घर में बुला सकते हैं, आसान है ना, कर सकते हैं, तो ये आप बिल्कुल करो। दूसरा यहाँ पे आपका एजुकेशन कोई भी नहीं पूछता है। पूछा किसी को पूछा प्लान दिखाते वक्त कि तेरा एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पे कोई भी एजुकेशन पूछता नहीं है। आप पढ़े लिखो हो तो भी अच्छा, आप पढ़े लिखो कम हो तो भी अच्छा, क्योंकि जिनको पैसे गिनने आते हैं, जिन मेरी बहनों को पैसे गिनने आते हैं, घर चलाना आता है, वो सारी ये बिजनेस बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती है। तो और यहाँ पे किसी को पूछा प्लान दिखाते वक्त, क्या प्रगति आपको पूछा कि क्या आपके पास एक्सपीरियंस है क्या डायरेक्ट सेलिंग का, नहीं, तो डायरेक्ट सेलिंग में किसी को भी प्लान दिखाते हैं बिजनेस दिखाते हैं तो पास एक्सपीरियंस पूछते नहीं है। तो मेरी सारी बहनें अगर जॉब भी नहीं कर रही है हाउसवाइफ भी है फिर भी आप आसानी से ये काम कर सकते हो, है ना, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से काम कर सकता है। दूसरा हमें बहुत डर लगता है कि क्या मैंने ये काम कभी किया नहीं है तो क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा। हाँ बिल्कुल सपोर्ट मिलता है, जितनी भी टीम है यहाँ पे श्री सर की ये सारी टीम आपको पूछती नहीं है किसके टीम से हो किसके टीम से हो, बस आपको मदद चाहिए तो आपको मदद मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने कभी काम भी नहीं किया है, इस तरीके का काम नहीं किया है, फिर भी आपको यहाँ पे बेहतरीन सपोर्ट मिलता है। दूसरा कि ये काम और भी आसान हो गया कोविड के बाद, ये काम और भी आसान हो गया मेरी सारी बहनों के लिए मेरी दोस्त के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि ऑनलाइन काम शुरू हो गया। तो अभी देखो हम एक ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं जो सोमवार को चलती है और शुक्रवार को चलती है, तो इसमें कई जगह से लोग आते हैं, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो सोचो आप कि यहाँ पे डिजिटल सपोर्ट भी इतना बढ़िया मिल रहा है, हमारी डिजिटल मीटिंग भी इतनी जोरदार हो रही है और उसके लिए लिंक के लिए हम भूषण सर को तकलीफ भी देते हैं, तो थैंक यू सो मच भूषण सर उसके लिए, क्योंकि हम सारी बहनें उनको कॉल करते रहती है उसके लिए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आपको अगर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग चाहिए तो हमारा वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो चैनल है वो आपके यूट्यूब पे आप चला सकते हो, वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, हमारी मॉर्निंग मीटिंग में आते हो तो भी ट्रेनिंग हो जाता है आपका। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मौके हैं कि जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा यहाँ पे एनकरेजमेंट मिलती है जो शायद हमें घर से तो मिलती है ना, नहीं कहेंगे नहीं तो हमारे जेंट्स भाई बोलेंगे अरे क्या बोल दिया आपने स्टेज से, तो ऐसे नहीं है, हम आप सारे अपने अपने घरों में जो भी है उनसे प्यार करते हो लेकिन हमें प्यार के साथ सम्मान भी चाहिए। अभी उसमें क्या डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट कैसे करना है, प्यार तो आप लोग करते हो लेकिन कई सारे ऐसे भी एग्जांपल है कि आपने किसी बहुत बेहतरीन वर्किंग लेडी बेहतरीन ड्रेसिंग वाली लेडी को देखा तो आपसे शायद बाजू से नजरें हटके वहां पे जाती है, तो वो जो सम्मान आपके नजर में होता है ना वो लेडी के लिए, वो सम्मान भी हमें चाहिए। जो प्यार और सम्मान दोनों वेस्टीज में मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है तो ये बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है।
तो मेरे यहाँ पे ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये रिस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। छोटी छोटी चीजों में यहाँ पे एप्रिसिएशन मिलता है, जो कभी कभी हमारे घर से जरूर मिलता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, प्यार प्लस सम्मान, वैसा हमें जरूरी होता है, राइट। तो ये भी चीजें यहाँ पे मिलती है। तो ये बिजनेस है ना, आप आसानी से कर सकते हो। दूसरी चीज है कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। यहाँ पे डांट नहीं मिलती है ना, अगर कुछ गलती भी होती है तो बहुत प्यार से समझाया जाता है। चार लोगों में नहीं समझाया जाता, तो आपको अलग से लेके भी समझाते हैं, है ना। तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है ये बिजनेस की। तो लेडीज, आसान है यहाँ पे काम करना। क्यों आसान है? तो ऑलरेडी हम जिस घर जो चलाते हैं ना, उसमें कई सारी मुश्किलें आती है, कई सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस से हम निपटते हैं। आपने चींटी को देखा है, अगर चींटी को आप ऐसे हाथ रखोगे उसके रास्ते में बीच में, तो वो क्या करती है, इधर से उधर से चली जाएगी। हम भी वैसे ही है, हम रास्ता निकालते हैं। तो ये बिजनेस में भी कोई भी चैलेंज आएगा तो हम आसानी से रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी चैलेंजेस से वाकिफ है। हमें पता है कि देखो, घर में अगर कोई बड़ा चैलेंज आता है ना, तो लेडीज कभी हाथ नहीं ऊपर करती है, वो क्या करती है, सपोर्ट करती है ना, हो जाएगा, कर लेंगे, इससे भी निकल पड़ेंगे, इस टाइप के वो डायलॉग बोलती है। तो यहाँ पे भी चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन इससे आप में ताकत है कि आप बिल्कुल उससे भी बाहर निकल सकते हो। तो और भी कई सारी चीजें हैं कि लेडीज ने ये काम क्यों करना चाहिए। तो एक तो आपको एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना है। क्यों एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है? क्या आज के दिन में जितनी भी कमाई करके हमारे घर में पैसे आ रहे हैं, क्या सारे पैसे बच रहे हैं, सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है? नहीं ना। तो आज क्या हो रहा है कि सारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, और हमारी सारी जो बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको पूछो आप कि वो किस कदर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनके जो एजेंडे में रहता है वो बहुत बार पोस्टपोन होता रहता है, अगली बजट में। तो लेडीज, एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी आपने ये काम करना बहुत जरूरी है। क्या हो सकता है, क्या होगा कि आपके घर में जो भी मर्द है, जो भी आपके पिता है, बहन, भाई है, आपके हस्बैंड है, क्या उनको आप अगर आर्थिक जोड़ देते हो तो क्या वो मनाही करेंगे? अगर जैसे मैंने बताया कि कितना आसान बिजनेस है, अगर उस आसानी से और घर संभालते संभालते अगर आप ये काम करोगे तो कोई मना नहीं करेगा। और देखो कितने हार्ट अटैक्स जेंट्स में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज मार्केट में उतना ही स्ट्रेस है। तो क्या वो स्ट्रेस हम सारी बहनें कम कर सकते हैं? क्या हम थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, 2-5 हजार अगर आपके हाथ में आते हैं ना, तो छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी जरूरतें, छोटी मोटी बच्चों की इच्छाएं आप बिल्कुल पूरी कर सकते हो। थोड़ा बड़ा पैसा आ जाएगा तो शायद सोफा बदल जाएगा, शायद अच्छे वाले बर्तन आ सकेंगे, कुछ अच्छी वाली साड़ी, ड्रेस सोचा होगा वो भी हम ले सकते हैं। तो कई सारे, और आगे जाके अगर एक उसमें से परमानेंट इनकम आने लगेगा तो आपकी शान कितनी रहेगी। पहले तो आप मीटिंग में जा रहे हो तो अपन मराठी म्हणतो ना, नाक मुरडतात, है ना, तो वैसा हो रहा होगा, लेकिन जब आप 50-60 हजार कमाने लगोगे ना, तो आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। घर में आपके लिए बोला जाएगा कि नहीं, मम्मी की तो मीटिंग है, उस दिन कुछ मत रखना, है ना। तो ये डायलॉग थोड़े चेंज हो जाएंगे, है ना, थोड़ा जो प्यार है ना उसके साथ सम्मान भी ऐड हो जाएगा। तो टीम, बिल्कुल ये चीजें करना, फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाना, परमानेंट इनकम की तरफ जाना और खुद की आइडेंटिटी बनाना। आज हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमें बुरी लगती है क्या? बिल्कुल नहीं। पैसे आएंगे तो हम अकड़ेंगे क्या? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा हम घरवालों के लिए ही खर्च करेंगे, सही है ना। तो अभी देखो कि आइडेंटिटी बदलनी भी जरूरी है। क्यों आइडेंटिटी बदलनी जरूरी है? आज हमारी पहचान क्या है? इसकी मम्मी, इसकी बीवी, इसकी बेटी। तो ये क्या हो जाएगा? ये बुरी है क्या? नहीं, बुरी नहीं है, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में 50% से भी लेडी आज कुछ न कुछ पढ़ी लिखी है और वो क्वालिफाइड होते हुए भी घर पे बैठी है।
तो आज ये आपके लिए मौका है कि आपने जो सपने है ना वो पूरे बांध के अपन बोलते ना मराठी पोटमाळ्यावर टाकून दिले है ना, ऊपर डाल दिए है, पेपर के नीचे दबाए हैं, पैसे दबा के रखते हैं ना, जैसे पॉकेट मनी मिलता है हस्बैंड से तो थोड़ा सा रख देते हैं ना, वैसे ही सपने दबा के रखे हैं। तो वो सपने निकालने के लिए हमें काम आएगा, सपने निकालने के लिए हमें काम आएगा, तो सपने पूरे हो सकते हैं लेडीज, और बहुत ज्यादा बेहतरीन आप काम कर सकते हो। आइडेंटिटी बनाओ आपकी, और दूसरा ये एक कंसिस्टेंट करियर है, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में मैं आखिरी कुछ मिनट में आपसे बात करूंगी कि कंसिस्टेंट करियर माने क्या होता है। मैं उसका एग्जांपल हूँ क्योंकि मैंने शादी के बाद, मैं शादी के पहले भी जॉब करती थी मुंबई में, और शादी के बाद भी पुणे आने के बाद मैं जॉब करती थी, लेकिन मेरे घर में ऐसी चीज थी कि मेरी मदर इन लॉ बीमार होते जाते थे, और बीमार ऐसे हो जाते थे कि जॉब छोड़नी पड़ती थी। ऐसा मैंने 3-4 बार किया है, तो मेरा जो करियर है ना उसमें ब्रेक लग जाता था। तो लेकिन मुझे जब मैंने वेस्टीज में एंट्री की, जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री की, तो मुझे ये बेहतरीन चीज जो मिली है वो मैं आपको सबको बताती हूँ। तो आपके करियर में कैसे ब्रेक नहीं लग सकता, और ये करियर कैसे आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो कि देखो क्या हुआ कि मैं खुद स्कूल चलाती थी, और स्कूल मैंने मई 2017 में वेस्टीज में डायरेक्टर जाने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैंने वो बंद किया। ओके, तब हमारे जो मदर इन लॉ थे वो पूरे बेड पे थे, है ना, और मैन पावर घर में कम थी, तो सारे मिलजुल के उनका करते थे, है ना। बेशक हस्बैंड ने ज्यादा ही किया है उनका, मानते हैं हम, लेकिन हम सारे मिलजुल के करते थे, तो वो काम भी होता रहा। फिर बेटी कोविड लग गया, कोविड के बाद क्या हुआ, तो बेटी का एंगेजमेंट हो गया, बेटी की शादी हो गई, मदर इन लॉ गुजर गए, लेकिन ये सारे इसमें मेरा करियर ब्रेक नहीं हुआ, मेरा करियर कंसिस्टेंट रहा, है ना। भले ही ऊपर नीचे जरूर हुआ, लेकिन करियर में ब्रेक नहीं लगा। तो लेडीज आपको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि भले ही बहुत बार क्या होता है कि कुछ भी चैलेंज आता है घर में, तो कौन सैक्रिफाइस करता है, लेडीज सैक्रिफाइस करती है। जॉब किसका बंद होता है, लेडीज का बंद होता है ना, काम उसका बंद होता है। तो यहाँ पे भी ऐसी कुछ लेडीज है, उन्होंने जॉब छोड़े हैं बच्चों के वजह से, कुछ चीजों के वजह से, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा बेहतरीन करियर है कि ये करियर में ब्रेक नहीं लगेगा, आप कंसिस्टेंटली ये काम कर सकते हो। बताने के लिए बहुत सारा है, लेकिन एक आखिरी लाइन बोल के, आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हैं, उसमें कुछ चीजें मैं बोलूंगी आपको कि हम तो एक बॉर्न मॉडल है, तो हमारे बिजनेस में क्या होता है, खुद ही को ब्रांड एम्बेसडर बनना पड़ता है, तो हम उसके बेस्ट एग्जांपल है। कहीं पे भी गहना मिला डाल के देखते हैं, झुमके मिले डाल के देखते हैं, कोई प्रोडक्ट मिला यूज करके देखते हैं, तो यहाँ पे यही तो करना है, प्रोडक्ट यूज करना है, तो हम क्या है, बेस्ट मॉडल है, उसका भी हमें ये बिजनेस में फायदा मिलता है। बायर कौन है, घर के लिए चीजें कौन खरीदते हैं, हम ही खरीदते हैं, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ तो चीजें लेके ही आनी है, सिर्फ ब्रांड ही बदलना है। दूसरा नारी शक्ति, नारी शक्ति मीन्स क्या है, घर में सास से और हस्बैंड से झगड़ना, ये नारी शक्ति है क्या, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे आने के बाद खुद से लड़ना है। खुद से क्यों लड़ना है, क्योंकि हम जिस माहौल से आए हैं वो गॉसिप वाला माहौल है, निगेटिव माहौल है, हर एक ने कहा है कि तू कर नहीं सकती, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर बंदा हमें कहता है तू कर सकती है, तू ये भी कर सकती है, तू वो भी कर सकती है। तो ये वेस्टीज का प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बेहतरीन है टीम। तो सारी बहनें, सारी दोस्त, एक एक बात कहना चाहूंगी कि ये नारी शक्ति को यहाँ पे यूज करो, खुद से लड़ो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, और क्या करो, एक स्माइल चेहरे पे लेके चलो, एक स्माइल चेहरे पे लेके चलो, और वो चेहरे के ऊपर मिस्ट्राल ऑफ मिलान एंड स्किन फॉर्मूला 9 लगाना ना भूलो, क्योंकि जब आपका ड्रेस, जैसे कहा ना डॉक्टर धूमनेसन ने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि आपका ड्रेस और आपका एड्रेस है ना, तो वैसे ही जब आप मिस्ट्राल ऑफ मिलान स्क्रीन फॉर्मूला 9 चल के निकलोगे ना, तब दुनिया
दुनिया एक साइड हो जाएगी और आप एक साइड हो जाओगे, तो देखो जेंट्स को ये फायदा नहीं है मिस्टर लव मिलान लगा के घूम नहीं सकते इसलिए वो कैसे दिखते हैं ना, तो आप सबके पास वो मौका है, तो आप सबने कैसा दिखना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए स्किन फॉर्मूला नहीं भी लगाना है, तो ऐसे दिखना चाहिए ना कि देखने वाले की नजर यहाँ से वहां तक जानी चाहिए, है ना, तो कर सकते हैं ना, तो क्या बनेगा, जो सम्मान दूसरे को दे रहे हैं वो सम्मान भी अपने पास चला आएगा तो थैंक यू सो मच टू।